अच्छा, ये 8-10 दिन के बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, क्या बात है। इनको अंदर इसके अंदर रखने का, ये देखें कितने ही नायाब किस्म के ये। पेड़ लाया था एक। जी जी, मैं पेड़ लाया था एक शाम का। ये किधर से आपने कहीं इम्पोर्ट किए हैं कि नहीं? मेरा अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम सईद पिजन। दोस्तों आज आपको हम एक छोटा सा फार्म दिखाएंगे। शौक जो है ना इंसान को क्या कुछ करवाता है। देखें बकरियां भी तरह आपको मिलेंगी, बड़ी बड़ी फैंसी किस्म की। ये देखो ना, बकरी को वैक्सीनेशन हो रही है, या बकरी के बच्चे को ठीक हो गया, ये वैक्सीनेशन हुई है। बाकी जो भी बात है हम माशाल्लाह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, की हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ਏ ਆਪਣਾ ਜਿਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਨਯਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਬੀਤਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੀਤਲ ਟੈਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਤਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੁੰਬੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਫੈਂਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੂ ਨੇ। ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਮੁਰਗੇ ਹਾਂ, ਸੀਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮੂ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਲੂ ਅੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਯਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲਤੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੀਤਲ ਮੁਰਗੀਆਂ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੇ ਨਾ, ਬੀਤਲ ਬੱਕਰੀਆਂ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है यार। ये देखिए, ये देखें, ये अपना ज़िया भाई बीतल है, ये व्हाइट वाले? ये टैडी। अच्छा, ये टैडी है। और बीतल कौन सी है? ये लंबे कानों। अच्छा, लंबे कानों वाली। ये खोल सकते हैं जरा? हाँ जी। दोस्तों ये देखें आप जरा, ये है टैडी। ये देखें कितनी खूबसूरत है जी। इस तरह कबूतरों में टैडी होते हैं ना व्हाइट आंखों के, ये देखें, ये भी व्हाइट आंखों में जी माशाल्लाह। सारे बच्चे हैं बीतल और ये टैडी, सारे व्हाइट आंखों। अच्छा, बीतल और ये टैडी जो व्हाइट आंखों में होते हैं, ये सारे बच्चे अपने घर के ही हैं कि कहीं से मंगवाए हैं? घर के। इनके जो ब्रीडर्स हैं वो किधर हैं? ब्रीडर को दो तो दोस्त लेके गए होंगे ब्रीडर। अच्छा, और दो अभी इधर बच्चे हैं ब्रीडर मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों चलें इसके बाद। अच्छा, ये टैडी जो है, अच्छा ये है, और एक ये है ब्रीडर। अच्छा ये है, इसका नाम रैम्बो रखा हुआ है जी? रैम्बो और ह्यूमन जी। अच्छा यू, अच्छा माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त किस्म के आपने रखे हैं। तो बाकी दोस्तों अपना, आपको कुछ हम ना फैंसी इस तरह की मुर्गियां दिखाएंगे जो आपने कम देखने को मिलेगी। हाँ जी, आज आपको इसमें, इस वीडियो में काफी कुछ देखने को मिलेगा। ये देखें ब्रीडर आपको दिखाते हैं। ये सब शौक है अपना, ये बच्चा है, ये अभी दो दांत हुआ है। ये नागड़ा है? हाँ जी, नहीं ये नागड़ा डब्बा है, इसका नाम टिपू। अच्छा, इसका नाम टिपू रखा हुआ है? टिपू जी। माशाल्लाह, नाम बड़े या भाई। इसका बंटी। अच्छा, इसका नाम दरअसल वो मुन्ने शाह के पास। अच्छा अच्छा, दोस्त लेके गया है, ठीक हो गया। ये है जी दूसरा बच्चा, अभी 6 माह का बच्चा है। बिल्कुल सही हो गया। जग्गी, जग्गी, ये जग्गी, ये जग्गी माशाल्लाह। ये भी नागड़ा है? ये बीतल की नस्ल है। अच्छा, वो नागड़ा है? वो नागड़ा डब्बा है, ये काला डब्बा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। दोस्तों आपको फैंसी मुर्गियां दिखानी है जो ब्लू कलर के अंडे देती हैं, नीले रंग के अंडे देती हैं, आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये देखें, ये बड़ी बकरी है जी, बीतल। ये देखें दोस्तों, बड़ी बकरी है बीतल। ये देखें जी, ये इन्हीं के बच्चे हैं सारे ना। ये देखें, ये बीतल बकरी, बड़ी बीतल है। ये देखिए माशाल्लाह, अब आपको मुर्गियां दिखानी है, फिर उसका मुर्गे दिखाने हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए हैं, बाहर से इन्होंने इंपोर्ट किए हैं ज़िया भाई ने, माशाल्लाह। वो आपको दिखाते हैं, नीले रंग के अंडे देती हैं मुर्गियां, वो आपको दिखानी है इंशाल्लाह, देख के आपको मज़ा आएगा। ज़िया भाई 2 मिनट दें ज़रा जी। आप ये जो बकरियाँ, बकरे रखे हुए हैं, ये फॉर सेल भी हैं के पास शौक है? दुम्बे और बकरे फॉर सेल है। ये जो बड़े में, ये दुम्बे, ये सारे फॉर दुम्बा है जी। दुम्बा दुनिया कुछ हम आगे ब्रीड के लिए लेके आए हैं। अच्छा, बाकी सारा दुम्बा है जी। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। ये सारा इधर मतलब ये बकरे कुर्बानी के लिए, ये सारे कुर्बानी के लिए बकरे हैं। ये दुम्बे इधर से आगे देखें दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं ये इधर, ये सारे दुम्बे हैं जी। ये देखें, ये छोटा सा फार्म बनाया हुआ है ये अपना। हाँ, इधर भी नया सेटअप बन रहा है इस साइड पे,
ये दोस्तों इधर नया सेटअप बनना है जी, फार्मिंग जो भी करवा रहे हैं अपने, ये देखें ये सारे दुम्बे हैं माशाल्लाह, ये देखें कितने ज़बरदस्त हैं। ये सारे कुर्बानी वाले जानवर हैं, कुर्बानी वाले, सेल करने हैं, सेल वाले जानवर हैं। अंदर भी काफी है। ये अपना ज़िया भाई, ये कोई बंदे को किसी को हमसे रब्ता कर लेता है तो आप ये इससे पहले भी दे सकते हैं? हाँ, पहले भी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। अब आपको मुर्गियाँ दिखाते हैं, बिल्कुल सही हो गया दोस्तों, आपको दिखाते हैं दोस्तों। ऊपर अमेरिकन मुर्गियाँ हैं, अमेरिकाना मुर्गियाँ, अच्छा ब्लू दोस्तों ऊपर आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे अमेरिकाना जो मुर्गियाँ हैं, ये ऊपर इन्होंने इसका बनाया हुआ सेटअप, तो आपको उसका दिखाते हैं, बच्चे भी दिखाते हैं, मुर्गियाँ भी दिखाते हैं। उसके बाद शामू दिखाएंगे, शामू बड़े, इनको बड़े निकालें जी ज़रा, ये देख गोल्डन बाफ भी हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये वो एक तो गोल्डन बाफ है, बाकी अमेरिकाना है? अमेरिकाना वो तो दोस्त एक छोड़ गए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल। तो इनके नीचे ना ये गर्दन के नीचे बाल है। अच्छा, और इनके अंडे ग्रीन है, मैं आपको ये देखें, ये देखें जी, ये सारे इसके अंडे, ये देखें, हाँ जी, ये इनके अंडे हैं जी, ये सारे अमेरिकाना के अंडे हैं, अमेरिकाना के। बिल्कुल सही हो गया माशाल्लाह। इसकी एक जो सिफ्त है ना वो ये है कि ये नागा नहीं करती। अच्छा, नागा नहीं करती, बगैर डेली अंडा देती है। अंडा। तो इन ब्लू अंडे वाले भी हैं आपके पास? बस यही, इसी में कलर आते हैं। अच्छा, इसी में कलर आते हैं दोस्तों, ये देखें जी, अमेरिकाना अमेरिकाना मुर्गियाँ जी, ये देखें। अब आपको दोस्तों शामू दिखाते हैं, बड़े ही नायाब किस्म के शामू आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बाबा जी, ये अमेरिकाना, अमेरिकाना, हाँ जी। अच्छा दोस्तों, ये देखे ना, इधर अपना ये चूजे निकलवाते हैं अपना ज़िया भाई, एक मुर्गी है, इतने ज्यादा चूजे, इसका क्या सेटअप है? इधर हमें इसके बारे में बताएं, इधर हैचरी भी हमें आपने दिखानी है अभी, मैं क्या अभी आपने हमें हैचरी भी दिखानी है, किस तरीके से आप बच्चे निकलवाते हैं, क्या सीन है? ये देखे इधर गाय भैंसे भी रखी हुई है, ये अपना दूध का बंदोबस्त है, ये देखें मुर्गे सारे दोस्तों, ये देखें जी, ये मुर्गे पड़े हुए हैं, असल ब्रीडर जी, देखें ये देखने वाली चीज है, ये अपनी शामू है, ये इसकी फीमेल है, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें कितने ही नायाब किस्म के, ये पेड़ लाया था एक, जी जी, मैं पेड़ लाया था एक शामू का। ये किधर से आपने कहीं इम्पोर्ट किए हैं कि? नहीं, मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने ये बच्चे लिए थे। अच्छा, और अभी मैं आपको इनके बड़े दिखाता हूँ, ठीक हो गए दोस्तों, ये इनके बड़े के इनके बच्चे, इनके बच्चे, अच्छा इनके बच्चे, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह जी ज़िया भाई, इनका पहले ज़रा दिखा लें हम, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। अच्छा, ये एक मुर्गा है और तकरीबन छह मुर्गियां साथ में छोड़ी हुई हैं, इसमें एक मुर्गी प्योर है और दो तीन क्रॉस की हैं। अच्छा, और दो वो आम हमारी जो लोकल चलती है, हाँ, मतलब मियाँ वाली, मियाँ वाली, जो भी इनके सबके साथ शामू का क्रॉस करवा रहे हैं, बिल्कुल सही। आपको शामू, आप शामू जो मुर्गे हैं इनके आपको बच्चे भी दिखाते हैं जी, ये देखें, ये सामने फिर रहे हैं। ज़िया भाई, आपने और किस किस चीज़ का शौक किया हुआ है? ये पिजन भी रखे हुए हैं, ये, अच्छा ये दोस्तों, ये देखें, ये फैंसी कबूतर भी रखे हुए हैं, ये देखें, ये कौन सी नस्ल है अपना? बहुत फैंसी है, फैंसी है जी, एक तो केरी शामू है ना, हाँ जी, ये कौन सी? एक तो किंग का है ना वो, अच्छा किंग है, किंग तो पिजन है। ओए होए 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 होए, ये तो क्या हो गया, क्या हो गया इनको? अच्छा, ये खोलो जरा, अंदर चले जाए दोबारा, ये सारे जो है ना इनके शामू के आगे बच्चे हैं, पठियां पठे हैं, इसमें ज्यादातर प्योर शामू। अच्छा, प्योर ज्यादातर प्योर शामू, माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत आला जी, बहुत आला, क्या बात है, मज़ा आ गया दोस्तों देख के, शौक है। ज़िया भाई, अगर किसी दोस्त को कुछ चाहिए हो अपने, आप अपना नंबर, सर नंबर ज़रा अपना हमें इस वीडियो में मेंशन करेंगे कि 0300, ये ज़रा खड़े होके ज़रा नंबर, 0300 जी 6575001। कार्गो भी अवेलेबल है किसी को, कुछ इसको चाहिए इधर आके लेके जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही हो गया। एड्रेस ही बता दें फिर अपना ज़रा, ये रोखन वाला गांव है, ये आप बताएं यार, रोखन वाला
रावखान वाला आके हमसे राबता कर लें। कसूर रावखान रायवंड रोड पे, रायवंड रोड पे रावखान वाला गांव है, तो उधर आके अड्डे में आप राबता कर सकते हैं इस नंबर पे। तो दोस्तों आपको वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होनी है। भाई जान ने अपने शौक के लिए सारा कुछ किया हुआ है यार, ये असल शौक है, बस शौक। ठीक है ना, और भी मैंने देखा है उधर नर्सरी पे जिया भाई ने और भी काफी किस्म के परिंदे रखे हुए हैं, ये शौक की बातें होती सारी। हाँ जी, ये सारी देसी मुर्गियां हैं। जी जी बाबा जी, शौक किया, अच्छा किया, बिल्कुल जी। बड़े कुकड़ियां जो हैं, कुकड़ जो हैं बड़े नायाब हैं, नायाब चीजें रखी हुई हैं। मजे मजे वाली बात ये आदमी, ये तो मेहनत करता है, ये सारे बंदे संभालते हैं जी, परिंदे जानवर संभालते हैं, परिंदे संभालते हैं जी, बड़ी अच्छी बात है, शौक है ना जी। जिया भाई ने माशाल्लाह बहुत हैचरी भी दिखाई जी हमें, किस तरीके से ये बच्चे निकलवाते हैं हैचरी में, वो भी दिखाते हैं जी आपको जी। चाइना की, ये आपने इम्पोर्ट किया चाइना से? नहीं, मैंने इधर से मिल जाती है, मैं मुल्तान से मैं। अच्छा, तो इसका क्या सीन है? अंडे रखे हुए अभी, चूजे भी निकले हुए हैं। अच्छा, इधर से चूजे निकले, ये मैंने लोकल खुद इसमें बनाया है, ये खुद बनाया हुआ है, अब नीचे अंडे पड़े हुए हैं। अच्छा, नीचे होता है, हम इधर देखते हैं, वो पड़ी हुई है, वो मैंने अभी अभी रखने हैं। तो ये हैचरी में जो आपके बच्चे निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं? ये ब्रूडर है, ये 8-10 दिन के बच्चे। अच्छा, ये 8-10 दिन के बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह, क्या बात है। इनको अंदर, इसके अंदर रखने का मकसद कि ये हीट में रहे, टेंपरेचर पे जो इसको सेट किया हुआ है, मतलब इससे कम निकले जाया कोई नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया, टेंपरेचर है ना, टेंपरेचर मेंटेन किया हुआ है 33 जी, इसका 37.9 और इसकी इम्यूनिटी जो है वो 60 है। बिल्कुल सही हो गया, इसकी इम्यूनिटी 60 रखते हैं। अच्छा, पहले 18 दिन या भाई, जितने बच्चे निकलते हैं सारे अंडे रखते हैं, सारे निकल आते हैं कि बीच में खराब हो जाते हैं? जो पहले रिजल्ट आया ना मेरे पास, अच्छा, वो मैंने एक दफा रखे हैं 50 अंडे, अच्छा, उसमें निकले हैं 47 बच्चे। अच्छा, फिर मैंने रखे थे 32, उसमें निकले थे 30 बच्चे। अच्छा, इसमें ये ज्यादा बेहतर है जो फ्रेश अंडे होते हैं ना। हाँ जी, उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है सारी। अच्छा, और ये इसका जो नमी की कंट्रोल्ड है 60 पे, मैंने इसको सेट किया, 60 पे रहती है। 18 दिन के बाद मैं रोलिंग ट्रे वो निकाल देता हूँ। अच्छा, और अंडे मैं हैचर पे रख देता हूँ। अच्छा, उसको फिर मैं इसकी नमी कर देता हूँ 75। अच्छा, 75 पे सेट करता हूँ, तो बच्चे सारे बाहर निकल आते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया दोस्तों, काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस वीडियो में आज। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, और जिया भाई का नंबर दे दिया, किसी भाई को कोई चीज चाहिए और रास्ता करें, दूसरा नंबर भी लिख लें 0342 जी जी 427305 जी 0342-4242-7005। बिल्कुल अध्याय भाई, आपसे काफी बंदे रब्ता करेंगे तो कोई हमारे तलक वाला बंदा है कोई, इंशाल्लाह मोहब्बत भी करनी है आपने, ठीक हो गया ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, फिर हाजिर होते नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी। हाजरा दोस्तों, ये मादी है, बाजियों में उड़ती रही है, ये देखें इसकी कंडीशन क्या है, क्या सूरत हाल है, बंदे को देखने को दिल ना करे, ये कैसी मादी है, और देख लें आपके सामने है। और ये महल चार पांच बजे बैठती रही, इकट्ठी चार मादियां इकट्ठी बैठती रही हैं, एक दिन बैठी हैं 4:15 बजे चारों इकट्ठी एक ही मिनट में। अच्छा, एक दिन तीसरी बाजी में बैठी हैं 4:45 बजे एक ही मिनट में चार मादियां इकट्ठी हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी, इसका शो कराते हैं आपको, ये देखें, वाह क्या बात, बड़ों का शौक है बी भाई, माशाल्लाह बी भाई, ये कौन सी नस्ल है? पता नहीं कौन सी नस्ल, 200 रुपए की लड़का लेके आया था दड़बी, ये मादी 200 रुपए की दड़बी, 200 रुपए की दड़बी से लेके। अच्छा, जरा दोबारा था इसको दिखाएं, जरा 200 रुपए की दड़बी से ले गए, और ये देख लें माशाल्लाह दोस्तों, क्या बात है यार, ये कबूतरी 200 रुपए की दड़बी से ली थी, और देख